हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मैंने ये लुक दुर्गा पूजा और करवा चौथ के लिए क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल स्टेप है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बिगनर सोचते हैं कि पहले क्या लगाएं, बाद में क्या लगाएं, आई डोंट नो, बट ये बहुत ही सिंपल से स्टेप हैं। इसे कोई भी फॉलो करके इस तरह का लुक क्रिएट कर सकता है दुर्गा पूजा और करवा चौथ के लिए, और लेट नाइट पार्टी के लिए भी कर सकता है गाइस। चलिए, बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है, मैंने सारे एक एक करके स्टेप बताए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने फेस को फेस वॉश कर ली है, और इसे लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए मैंने हैंकी में आइस क्यूब ली है, और इसे अपने फेस पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करूँगी। इससे फेस में कोई भी पसीना वगैरह नहीं आएगा, स्वेट नहीं निकलेगी, तो हमारा मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इस तरह से अच्छे से आप भी अपने फेस और गर्दन पर आइस क्यूब की मसाज कर लें। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ, क्योंकि गाइज मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आई थी, आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने वॉइस ओवरिंग किया है। अब मैं टावल से अपने फेस को डैप ड्राई कर लूँगी, और उसके बाद मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र फेस के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको 2-3 बार डे में यूज़ करना चाहिए। उसके बाद यहाँ गुड वाइव की सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ। सीरम भी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी है, वो हमारी स्किन को अंदर से रिपेयर करती है। इसे अच्छे से मैं लगा के अपने फेस पर ऑब्जर्व करवा दूँगी। अब इस तरह से अच्छे से ऑब्जर्व करवाएं अपने फेस पे। उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास जो भी फाउंडेशन हो आप वो कर सकते हैं, लैक्मे का है, मेबलिन का है, सीसी क्रीम है, या जो भी बीबी क्रीम है, जो भी है आप यूज़ करते हो उसे अप्लाई कर लें। डॉट डॉट करके इस तरह से अप्लाई करें, सीधा नहीं लगा लें हाथों पर लगा के। और एक बात का ध्यान रखें, आँखों के नीचे और ऊपर आपको फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वहाँ हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। अगर हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो कंसीलर भी करेंगे तो फिर हमारी आँखें पैची लगेंगी। इस तरह गर्दन और अपने एयर्स पे भी आपको फाउंडेशन अप्लाई कर लेना है, इससे आपकी स्किन जो है इवन लगेगी और बहुत ही फ्लॉरेस लुक आएगा। उसके बाद सबसे पहला काम आपको अपना ब्यूटी ब्लेंडर रेडी करना है ब्लेंडिंग के लिए। इसे आप पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ लें, और देखिए मैंने अपने फेस को इस तरह से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देखिए गाइस, मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अगर आपके आंखों के नीचे ज़्यादा डार्क सर्कल है तो आप इस तरह से ऑरेंज कलर का कलर कलेक्टर लेके अपनी आंखों के नीचे पहले अप्लाई करें, और उसके बाद आप कंसीलर अप्लाई कर दीजिए। मैंने कलर कलेक्टर को लगाया हुआ है, अब मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। देखिए, इससे आँखें काफ़ी फ्लॉरेस लगती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से लगा के आप कंसीलर को अप्लाई करें, और इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद आँखों के नीचे मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर लगाऊंगी, इसे 5 मिनट्स तक यूँ ही छोड़ दूँगी, जब क्योंकि मैं आँखों का मेकअप करूँगी तब तक ये हमारा कंसीलर अच्छे से सेट हो जाएगा। और सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए आईब्रो को करूँगी सेट। उसके बाद मैं यहाँ पे जेल आईलाइनर ब्राउन कलर इसकी शेड है अप्लाई कर रही हूँ। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और नेचुरल लुक देता है, ओवर लुक नहीं देता है। अच्छे से मैं इस तरह से दोनों आँखों पे लगा के फिर आँखों को अच्छे से ब्रश से हेल्प सेट कर लूँगी। आप इस तरह से करेंगे तो आपकी आँखों का आईब्रो का शेप बहुत ही अच्छा आ जाएगा, नेचुरल शेप आ जाएगा। देखिए आप कितना अच्छा। उसके बाद मैं यहाँ पे आई शेडो अप्लाई करने से पहले अपने आँखों पे लैक्मे एब्सोल्यूट का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। इससे अब हमारी आई शेडो काफ़ी उभर के आएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन कलर लूँगी, और अपनी आँखों की क्रीज लाइन पे इसे अप्लाई करूँगी। आप भी इस तरह से क्रीज लाइन पे अप्लाई करें, और कॉर्नर में थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर लें इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे वो वीडियो कट गया था गाइस, पिंक कलर की आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली शिमरी वाली आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, और आपको ये वाली हेल्प से ही अप्लाई करें, नहीं तो ब्रश में ही लग जाएगी सारी और वेस्ट हो जाएगी। फिंगर में उतनी नहीं लगती है, जितनी हमें ज़रूरत रहती है उतनी ही आई शेडो हमारी फिंगर पर लगती है। इस तरह से मैंने शिमरी वाली आई शेडो अपनी आँखों पर अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद मैं अपनी आई लैशेस को कर लूँगी, क्योंकि मुझे फेक आई लैशेस लगानी है। तो उसके बाद मैं इसमें मस्करा भी अप्लाई करूँगी। इससे हमारी फेक और नेचुरल आई लैशेस एकदम नेचुरल लगेगी, लगेगी नहीं हमने फेक लगाई है। अब मैं यहाँ पे मैक की फेक आई लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैंने ग्लू लगा के थोड़ा सा 2 सेकेंड के लिए सेट किया है,
और इस तरह से आप भी लगा के गोल उसे राउंड घुमा लें। और देखिए मैंने आई लैशेस अप्लाई कर ली है, दोनों आँखों पे मैंने अपनी फेक आई लैशेस अप्लाई कर ली है गाइस। उसके बाद मैं आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, मैं कलरफुल आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, आप जो भी कलर करना चाहे कर सकते हैं, वो आपकी च्वाइस है। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे मस्करा अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरी नेचुरल और फेक आई लैशेस दोनों एक साथ चिपक जाएंगी तो वो लगेगी नहीं फेक है, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। उसके बाद एक्स्ट्रा पाउडर मैं रिमूव कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल अप्लाई करूँ, मैं हाफ आईज़ पे ही काजल अप्लाई कर रही हूँ, इससे आँखें काफ़ी बड़ी बड़ी और अट्रैक्टिव लगती हैं। और जो मैंने शिमरी कलर की आई शेडो अप्लाई की है आँखों के ऊपर, वही मैं अपने वाटर लाइन के नीचे हल्की हल्की लगाऊंगी, उससे आँखें भी बहुत अच्छी लगती है गाइस। आप ये वाला ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी अपनी आईज़ की लुक लगेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे पर्ल्स का इल्यूमिनेटर ले रही हूँ। इल्यूमिनेटर को मैं अपनी आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी, इनर कॉर्नर आईज़ के जो होते हैं वहाँ पे इसे यूज़ करूँगी, और अपने फेस पे हाईलाइटर लगाने के मैं भी यूज़ करूँगी। काफ़ी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ग्लोसी और ग्लोइंग मेकअप चाहिए तो आप फाउंडेशन से पहले इसे थोड़ा सा लेके अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, आपका जो फेस है ना एकदम शाइनिंग देने लग जाए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर इस तरह से मेकअप करके दिखाऊँगी। देखिए मैं इनर कॉर्नर में भी सेम हाइलाइटर वाला यूज़ कर रही हूँ, इससे आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए हमारा ऑलमोस्ट आईज मेकअप हो गया है। अब मैं कॉम्पैक्ट लेके अपने फेस की टी जोन एरिया में हल्का हल्का सा टैप करूँगी, ज़्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रीम वाले कंटूरिंग ले रही हूँ, आप चाहो तो स्टिक वाले भी मिलते हैं, वो ले सकते हैं, वो आपके लिए ईजी है, बिगिनर के लिए आप ये स्टिक वाले भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लेकिन आज क्रीम वाला कंटूरिंग करूँगी। कंटूरिंग करने से हमारे फेस की शेप आ जाती है, जिनकी चिक्स काफ़ी भारी रहती है, फेस काफ़ी भरा भरा रहता है, अगर वो कंटूरिंग करेंगे ना तो उनका फेस काफ़ी स्लिम लगेगा और बहुत ही अट्रैक्टिव खूबसूरत लगेगा। इस तरह से आप कंटूरिंग यहाँ करनी चाहिए हमें, और जिनकी डबल चिन की प्रॉब्लम है उन्हें इस तरह जॉ लाइन में भी कंटूरिंग करनी चाहिए। गाइस मैं बोल रही हूँ लेकिन वहाँ वॉइस अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ, प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा। इस तरह से जॉ लाइन पे भी अच्छे से कंटूरिंग कर लें, और अपना जिनका नोज़ काफ़ी चौड़ा रहता है, अगर वो इस तरह से नोज़ पे भी कंटूरिंग करेंगे तो उनका नोज़ भी स्लिम लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, खूबसूरत लगेगा और पतला लगेगा। मैंने अपने फोरहेड पे भी कंटूरिंग की थी, वो वीडियो कट गया है। कंटूरिंग हमें फोरहेड पे भी करनी चाहिए, अगर काफ़ी माथा किसी का चौड़ा है तो करें, नहीं तो अगर माथा चौड़ा नहीं है तो ज़रूरत नहीं है उन्हें फोरहेड पे कंटूरिंग करने की। उसके बाद कंटूरिंग ब्रश के हेल्प से मैं यहाँ अपने कंटूरर को अच्छे से सेट कर लूँगी। सबसे ज़्यादा टाइम आप ब्लेंडिंग को ही दें, इससे आपका जो मेकअप है ना बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा गाइस, ब्लेंडिंग इज़ अ मेन। उसके बाद जहाँ हमने कंटूरिंग की है वहाँ थोड़ी थोड़ी जगह छूटती है ना चिक्स के नीचे, वहाँ पे आपको लूज़ पाउडर अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ ना, इससे कंटूरिंग काफ़ी शार्प नज़र आती है और खूबसूरत लगती है, फेस बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है देखने में। अब नोज़ पे मैं थोड़ा थोड़ा लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, और नोज़ पे भी थोड़ा थोड़ा लूज पाउडर अप्लाई करूँगी। अच्छी लग रही है गाइस। उसके बाद मैं अपने फेस पे ब्लशर अप्लाई करूँगी, आप हल्की सी स्माइल रख के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से फिश पॉट बना के भी ब्लशर को अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए मैंने ब्लशर अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। छोटे से ब्रश में मैंने यहाँ पे हाईलाइटर लिया है और हमारी आईज़ के नीचे एक ना बॉन होती है, वहाँ पे आपको थोड़े छोटे 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 पॉइंट लग करके ना इस तरह से हाईलाइटर अप्लाई कर लेना है। ये हमारे फेस के हाई पॉइंट होते हैं जहाँ हमें हाईलाइटर यूज़ करना चाहिए, नोज़ पे, लिप्स के ऊपर और चिन पे, उसके बाद फोरहेड पे। ये हमारे फेस के हाई पॉइंट है, हमें हाईलाइटर यहाँ पे यूज़ करना है बस, और कहीं नहीं। मैंने यह फैन ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप इस तरह से फिंगर टिप्स की हेल्प से भी अपने हाइलाइटर को कर सकते हैं सेट। घबराइए नहीं कि मेरे पास ब्रश नहीं है मैं नहीं कर सकते, नहीं, आप फिंगर टिप्स से भी हेल्प कर सकते हैं। मेरे पास ब्रश है तो मैं ब्रश से कर ले रही हूँ। आप देखिएगा कितना अच्छा ग्लो आ जाएगा, देखिए। और हाईलाइटर आप रात को ही अप्लाई करें, दिन में ना अप्लाई करें। उसके बाद मैं अपने लिप्स को लिप लाइनर लगा रही हूँ। हमें ज़रूर लिप्स पर लिप लाइनर लगानी चाहिए, इससे हमारे लिप्स का शेप आ जाता है और लिपस्टिक काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। मैं यहाँ हुडा ब्यूटी की लिक्विड मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ मिक्स करके दो लिपस्टिक यूज़ करूँगी गाइस, इससे बहुत अच्छा लिपस्टिक का शेड आ जाता है। ये मैं पहला शेड अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं सेकंड शेड दूसरी वाली लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, ए वाली। ये शेड भी अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है लिप्स, कितनी अच्छी शेड आ गई है। मैं दो लिपस्टिक इस तरह से करके कर लेती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी इस तरह से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पर अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग के लिए मेकअप स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। फेस से थोड़ा दूर रख के ही अपने फेस पे मेकअप स्प्रे यूज़ करें। उसके बाद गाइस ये मेरा फाइनल लुक यही है। और मैं यहाँ पे अपने बालों को स्ट्रेट कर ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो जिस तरह से भी अपने बालों को रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अच्छा लगे तो लुक तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। देखिए मैंने अपने हेयर स्ट्रेट कर लिए हैं। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इससे, और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा इससे मेरे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी गाइस। हाँ गाइस, मेरा एक और वीडियो है यूनिक ब्यूटी आइडियाज़, उसमें मैं फेस पैक और हेयर पैक के रिलेटिव वीडियो डालती रहती हूँ। एक बार उसे भी आप चेकआउट कर लीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल गाइस, और अच्छे अच्छे वीडियो लेके मैं ज़रूर आऊँगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड लव यू गाइस।